हरे कृष्णा। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं ना। भगवान ऋषभदेव राजा थे और वो उसको अपना राजपाट छोड़ के जब जंगल में गए तो अपना पूरा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तो भगवान ऋषभदेव जब जंगल में जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने अपने पुत्रों को सारा राजपाट सब दिया श्री राधा श्याम सुंदर की। तो उनके 100 पुत्र थे, उनमें से जो सबसे बड़े थे भरत महाराज, उनको उन्होंने राजा बनाया। और उन्होंने अपने बाकी पुत्रों को ये शिक्षा दिया कि आप अपने बड़े भाई को राजा मानते हो, उसके ही आदेशों पर चलना है, उसको अपना प्रमुख मानते हुए वो जैसा बताए वैसे अपना जीवन आगे चलाना है। तो जाने से पहले उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी अपने पुत्रों को, है ना। उसी में से एक श्लोक में बोलते हैं, गुरुर न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च स्यान् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। अर्थात गुरुर न स्यात् ना सा स्यात् माने उसको नहीं होना चाहिए, तो बार बार आ रहा है गुरुर ना सा स्यात्, उसे गुरु नहीं होना चाहिए। किसे आगे आएगा, गुरुर ना सा स्यात् उसे गुरु नहीं होना चाहिए, स्वजनो ना सा स्यात्, स्वजन माने परिवार के सदस्य रिलेटिव सगे संबंधी नहीं होना चाहिए, पिता ना सा स्यात् माने उसे पिता नहीं होना चाहिए, जननी ना सा स्यात् मीन्स माता उसे नहीं होना चाहिए, दैवम ना तत् स्यान् देवता भी नहीं होना चाहिए, ना पतिश्च स्यान् और पति माने हस्बैंड नहीं होना चाहिए। किसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए किसे आई, ना मोचयेत यह समुपेत मृत्युम, ना माने नहीं, मोचयेत माने उसको जो ऊपर उठा सके या मुक्ति दिला सके या उससे छुटकारा दिला सके, किससे, यह जो समुपेत मृत्युम, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे अगर उसको आप छुटकारा नहीं दिला सकते तो आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए, माने गुरु ना हो किसके लिए, अगर वो सीधे सीधे भाषा में समझें, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, परिवार का सगे संबंधी नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने डिपेंडेंट को ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा ना दिला सके तो ये माता का जो स्थिति है, पिता का जो स्थिति है, सगे संबंधियों का जो स्थिति है, गुरु का जो स्थिति है, ये शास्त्र के हिसाब से बस ऐसे ही नहीं है कि जीवन में एक ये भी फेज है तो इसको भी करना होता है, ऐसा नहीं कि अब कितनी उम्र हो गई भाई, 20-22 हो गई, जॉब हो गया, हाँ हो गया, शादी कर लो, नहीं, इतना आसान भी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है कि उनको माने जैसे गुरु है तो उसके लिए कौन, उसके शिष्य, पिता है तो उसके लिए उसका पुत्र पुत्री बच्चे, माता है तो उसके लिए उसकी संतान, पति है तो उसके लिए उसकी पत्नी, है ना, सगे संबंधी हैं तो उनके रिलेटिव्स, है ना, गुरु पिता जननी देवता, है ना, देवताओं को भी ऐसे ही बोला गया है। तो गुरु अगर अपने शिष्यों को
माता पिता अपने पुत्र को, और पति अगर अपनी पत्नी को, है ना, अगर ये जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा पा रहा है तो उसको ऐसा पोजीशन लेने का कोई अधिकार नहीं है, है ना, समझ में आ रहा है। और सिंपल उदाहरण दे के अगर बोलें तो जो शहर की सड़कें नहीं बनवा सकता उसे एमएलए बनने का अधिकार, इसको काट देना है ना। माने आप जिस पोस्ट को एक्वायर कर रहे हैं, जो अधिकारी आप बन रहे हैं, तो आपको जब आप अधिकारी बनते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी मिलता है ना, कि भाई ये ऐसे ये अधिकारी हैं इसलिए इनको बड़ा कुर्सी पे बिठाओ, इनको एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दो, रहता नहीं रहता। तो सिर्फ उतना ही नहीं है, उसके साथ साथ वो माता शत्रु है और वो पिता बैरी है जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेंट पढ़ाई की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है कि शास्त्र की पढ़ाई, भगवान के बारे में आत्म साक्षात्कार की पढ़ाई, है ना। अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतमगमे, कैसे हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ें। तो ये अगर वो पढ़ाई हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अधिकार जो मिले हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन अधिकार के साथ साथ हमें जो जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं निभा रहे हैं उन जिम्मेदारियों को। भगवान ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि आप इतने इतने लोगों के जिम्मेदारी आपके पास है कि इनको आपको जन्म मृत्यु से छुड़ा के मेरे पास लाना है। जनरली ऐसे बताया जाता है कि माँ प्रथम गुरु होती है, बोलते ना, क्यों? माँ का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि पिता कौन है, नहीं तो कैसे पता। पिता के बारे में जानने के लिए एकमात्र अथॉरिटी है माँ, तो माँ का काम है कि बताए ये आपके पिता हैं। पिता का काम है वो बताए कि ये आपके गुरु हैं, और गुरु का काम है कि वो बताए ये शिशि राधा श्याम सुंदर हैं और इनके चरणों में वो हमें लेगा। तो ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं तो अच्छा है कि हम उस पोस्ट को ना लें, क्योंकि भगवान की जो सिस्टम है, प्रकृति का जो नियम है, उससे वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है कि कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा। अब ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों, बस इतना है कि उनको हमने खाने पीने लायक बना दें, अपने पैरों पर खड़ा कर दें। जनरली आजकल यही सुनना आता है, भाई हम लोग माता पिता हैं, हमारा जिम्मेदारी है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करा दें और करने खाने लगें, है ना। तो पैरों पर तो अभी भी खड़े रहते हैं वो, है कि नहीं। तो बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शादी करा दें, है ना। अब ना तो शादी का मतलब पता, तो खुद तो हमने पहले तो उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, और जो थोड़ा बहुत उसका बचाव था वो शादी करा के उसको पूरा और फंसा दो आप। शादी के खिलाफ नहीं है हम, पर उसको पता ही नहीं है शादी करनी क्यों है। शादी का मतलब आप देखिए, पति बनना है तो आसान है, पति बनने का शास्त्र के, क्योंकि शास्त्र को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एटलीस्ट भारत में तो हम शास्त्र के हिसाब से ही शादी कराते हैं ना। एटलीस्ट जितनी मुझे जानकारी है सब जगह फेरे पड़ते होंगे, अम्बाला में पड़ते कि नहीं, है ना, सब जगह फेरे पड़ते हैं, हवन हवन होगा, तिथि विथि निकालते हैं, है ना। तो आप शास्त्र को मानते हैं और लड़का कभी हमें शादी नहीं करा, अरे वो कैसे नहीं कराना, होता आया है, है ना, तो अच्छी बात है, लेकिन उसको समझना चाहिए ना। तब यहाँ बोल रहे कि पति तब बनो जब आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन हो कि आप अपनी पत्नी को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सको, है ना। माने
माता पिता का भी ये कर्तव्य है। अब शादी होगी तो अगला पोस्ट आपको माता पिता का मिलने वाला है, तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि हमारे बच्चे ने इस बार तो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट टाइम ये किसी भी गर्भ में ना जाए, सीधा ये कृष्ण के चरण में जाए। ये माता पिता की जिम्मेदारी है, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। शंकराचार्य ने इसलिए कहा पुनरपि जननम पुनरपि जन मरणम पुनरपि जननी जठरे, अभी मेरे को नहीं चाहिए दोबारा से किसी माता का गर्भ, अब बस निकलना है यहाँ से। तो इसको नहीं समझ रहे हैं वो लोग, और अनजाने में हम उनको इतने बड़े पाप में ढकेल रहे हैं। बहुत उनको पता ही नहीं है शादी का मतलब क्या है। आज की जनरेशन को बिल्कुल पता नहीं है कि शादी होती क्या है, इसलिए उनके लिए जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनके लिए जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अंबाला का मुझे पता नहीं, पर मैं साउथ इंडिया में था तो बैंगलोर और बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे बस ऐसा ही है, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जब तक बना बना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लिया, जो भी लेना देना हुआ दिया, ख़त्म। इतना आसान भी नहीं है। तो अगर हमने इन पोस्ट को एक्वायर किया है, गुरु बनना, पति बनना, पिता माता बनना, सारा फोकस इसी चीज़ पे होना है कि कैसे जिनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है उनको कैसे हम भक्ति में जोड़ सकें और भगवान की तरफ ले जा सकें, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो किस तरीके से उस साइकिल में फंस जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे शादी हो भी गया तो उसका रिएक्शन कौन लेगा। फैमिली प्लानिंग जैसा शास्त्र में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इतना आर्टिफिशियल तरीके है, इतना पाप बढ़ गया है, फिर लोग कहते हैं वो तूफान क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आती है ना। संस्कार ना देने की वजह से आज बाहर का तो आप छोड़ ही दीजिए, आज भारत देश में जिसको जिस स्थान को बच्चे के लिए सबसे सेफ समझा जाता था, माँ की कोख, माँ का गर्भ, वही उसके लिए सेफ नहीं रह गया। माँ खुद अबॉर्शन करा देती है, बहुत कॉमन हो गया ये आजकल, ये बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। तो इससे बड़ा जघन्य पाप और कुछ नहीं है, ये कलयुग है, साफ पता चल रहा है कि माँ खुद कर रही है। क्यों? संस्कार नहीं है। पहले शादी के बाद जब बेटी पहली बार माँ बनती है ना, जब ये न्यूज़ भी आती है तो पूरे मोहल्ले में, गांव में हल्ला हो जाता है और लोग थाली पीटते हैं और खुशियां मनाते हैं, पूरा वरिष्ठ लोग, माता जी हैं, प्रभु जी हैं, उन्हें पता होगा उस ज़माने में बहुत खुशी होती थी, है ना। और सबसे ज़्यादा खुश कौन होता था? वो लड़की सबसे ज़्यादा खुश होती थी। क्यों? बचपन से बेटी को यही शिक्षा दी जाती है कि आपने एक दिन क्या, उसको ये बताते ही नहीं कि वो तो लड़की है, उसको दिमाग में एक सेट यही सॉफ्टवेयर रहता है कि मैं माँ हूँ, मेरे को माँ बनना है, बस शादी हुई उसको बस माँ बनना है, शादी के एक साल में माँ। तो उसको जो बचपन से उसने सुना है वो चीज़ अभी हो गया है तो बहुत सबसे खुश रहती थी, अभी उल्टा है, वही सबसे ज़्यादा टेंशन में रहती है, सबसे ज़्यादा टेंशन उसको ही रहता है, ट्रेनिंग नहीं है। तो एनीवे, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, शास्त्र में यही बताया है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट
शास्त्र को सिर्फ इसलिए मतलब उसको समझना है, उसकी गहराई में जाना है ना। हम सिर्फ जाएंगे वृंदावन राधे राधे कह के आ जाएंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए नाम में ताकत तो है, लेकिन नाम के साथ अपराध भी नहीं करना है। शास्त्रों के बातों का उल्लंघन करना सीधा सीधा नाम अपराध है। है भी कौन सा है वो शास्त्र को हम छोड़ के नहीं जा सकते। तो गुरु के आदेश के हिसाब से जितना बेस्ट पॉसिबल वे हो उतना हमें शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते तो उसमें प्रॉपर गुरु से सलाह लेके कि हम कितना इतना नहीं कर सकते तो किस हद तक करें, तो अगर आपके गुरु कुछ बताएं तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। नहीं तो ये आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है भक्ति करना, है ना। क्योंकि या हम बिल्कुल शुद्ध नाम जप करते हों, बिल्कुल शुद्ध भक्त हों कि हमें इन सब चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो कहाँ आ गए हैं शुद्ध भक्ति के स्तर पर, है ना। जैसे कल हमने देखा था बिल्वा मंगल ठाकुर, उनके साथ भगवान स्वयं बैठे हैं, उनको भगवान दूध पिला रहे हैं, है ना, तो वो बात अलग हो गई, है ना। या तो या फिर कोई स्पेशल कृपा में मिल जाए, नलकुबेर मणिग्रीव जैसी, है ना, इतना गलत काम करने के बावजूद भी नारद जी का कृपा मिल गया, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। और एटलीस्ट अब हम जब इस्कॉन में भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इतना समझ लेना चाहिए कि अगर हम समस्त जितने शास्त्र हैं सारे नियम नहीं फॉलो कर सकते तो एटलीस्ट जितने प्रभुपाद ने उनके तात्पर्य में लिखे हैं उतनी चीज़ों को हम फॉलो कर पाएं। क्योंकि प्रभुपाद ने भी बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं दी जानबूझ के, क्यों, उनको पता था ये नहीं कर पाएंगे, है ना, या इसलिए नहीं दी कि उनको पता था कि ये बताने से ये भ्रमित हो जाएंगे, भटक जाएंगे और ये जो मेन पाथ है उससे ये डाइवर्ट हो जाएंगे, है ना। वो डेविएशन को बचाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत सारी चीज़ें हमें ओपनली नहीं बताई हैं, किसी पर्सनल कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया है वो भी, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नहीं भी करी हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद ने कभी इतना जोर नहीं दिया कि, है ना, अब नहीं था दिया तो कैंडल कोई 5 कैंडल लगा के आरती घुमा दिया, है ना। तो रथ यात्रा निकालना था वहाँ पे, तो कहाँ उतना नियम फॉलो करते रहेंगे शुरू में, तो जो मिला वैसे से उन्होंने कर दिया, है ना। भगवान का विग्रह बनाने वाले जो थे वो बिल्कुल नए लोग थे, अभी अभी आए हुए, तो लेकिन साथ ही साथ प्रभुपाद ने उन्हीं को सारी शिक्षाएं दी। आप अगर हम इस्कॉन में रहना चाहते हैं और हम प्रभुपाद के लेक्चर नहीं सुनना चाहते और हम प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो सब बेकार ही है, सब ढोंग है, सब फालतू की चीज़ है, हम कभी समझ ही नहीं सकते कि इस्कॉन है क्या। जो हम जाते हैं इस्कॉन मंदिर में और जो हम देखते हैं वो एक भाग है इस्कॉन का, वो एक प्रेजेंटेशन है बस, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसको हम नहीं समझ सकते। आप ये कुछ भागवतम के ऐसे सेक्शन हैं जिस पे प्रभुपाद ने एक एक श्लोक पे लेक्चर दिया है, हर सेक्शन पे नहीं दिया, कुछ एक, जिनमें से ऋषभ देव की शिक्षाएं एक सेक्शन है, कपिल देव की शिक्षाएं दूसरा सेक्शन है, जहाँ पे जैसे 3:25 जो है तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय, एक एक श्लोक पे प्रभुपाद ने एक एक घंटे 40-40 मिनट का लेक्चर दिया है। हमें इन लेक्चरों को पढ़ना चाहिए, है ना, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे तो प्रभुपाद का इंग्लिश बहुत आसान है, नहीं समझ पा रहे तो उसको ट्रांसलेट करके हमें उसको समझना है, तब हमें पता चलेगा कि असली चीज है क्या। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा पता चल गया, बी हैप्पी पता चला या नहीं चला अभी मालूम नहीं, लेकिन एंड में सब कुछ है, तो इस एंड को पता करना है तो ये प्रभुपाद की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने पड़ेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने पड़ेंगे।
एटलीस्ट पुस्तक और लेक्चर तो हम सुन ही लें। तो हम जब इन रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे आ जाते हैं, पति, माता पिता, गुरु, तो हम उनको, क्योंकि देखिए खाने पीने लायक बना देना तो जानवर भी कर लेता है अपने बच्चों के लिए, नहीं कर लेता। चिड़िया अपने बच्चे को सिखा नहीं देती कैसे दाना ढूंढना है, सिखा देती है ना। शेर, चीता, वो सिखाते हैं, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं हैं कि कैसे शिकार करना है ना, सिखा देते वो लोग, है ना, उनके लिए वही जॉब है ना, ठीक है, वो सिखा देते हैं। और वो भी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, किसी आपने देखा होगा छोटे छोटे जानवर के जो बच्चे हैं वो आप ऐसे नहीं उसको खींच सकते, है ना, प्रभु जी के पास गाय है, आप उसके बछड़े को ऐसे नहीं खींच सकते, गाय आपको अलाउ नहीं करेगी, है ना। और अगर आप कुछ दूर तक ले जाओ ना देखे तो गाय परेशान हो जाती है, हर जानवर, है ना। एक बार एक आश्रम में एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, तो बिल्ली हर रूम में जाके स्क्रैच करा करती थी, उसको लगता था कहीं इसमें है कहीं इसमें है, पूरा टाइम अपने बच्चे की खोज करती रहती थी। तो वो भी अपने बच्चों को खाना पीना सिखाते हैं, प्रेम करते हैं, उनके समाज में कैसे स्टेबल रहना है ना, वो सिखा देते हैं, है ना, कौन हमारा शत्रु है ना, सिखा देते हैं। हिरन अपने बच्चे को सिखाएगी कि ये शेर होता है, इससे भागना होता है, सही गलत है ना, और सभी हिरन सिखा देती हैं, है ना। और इंसान में तो फिर भी बेरोजगारी है, इतना मेहनत करने के बाद भी कई बार हम अपने बच्चों पे पूरा इन्वेस्ट करते हैं और उनकी जॉब नहीं लगती, पर जानवरों में हमेशा उनकी जॉब लग जाती है, उसको उसी की जाता है कि कैसे पकड़ना है ना। जो शाकाहारी जानवर हैं उनके पेरेंट्स उन्हें सिखाई देते हैं कि कौन सी घास खाने वाली है, कौन सी घास जहरीली है, वहाँ पर टैग नहीं लगाया है दिस इज पॉइजनस, बच्चों से दूर रखें, आपके सुपरमार्केट में होता होगा बिग बाज़ार में, है ना, ये जहर है ये नहीं, वो जानवर आता है बस वो, हम नहीं हैं, हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, पुराने लोग हुआ करते थे, पुराने लोग हर्ब्स को देख के जान जाते कि ये बुखार की जड़ी बूटी है, इससे भूख लगेगी। हमारे एक प्रभु जी हैं, हम लोग एक बार रथ यात्रा में गए एक जगह, तो थोड़ा आउटर में सेंटर था, तो वो प्रभु जी बोले कि तुमको प्रसाद खाना है ना, बहुत नाइस प्रभु, तो ना एक पत्ती है यहाँ पे, उस लीफ को तुम खाओगे तो तुम कितना भी प्रसाद खा लो तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। क्या बात कर रहे हो, हाँ मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हो, तो जब उस दिन हम गए तो उनका मैंने तुम्हें बताया था एक बार एक लीफ के बारे में, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो ना उनका ये है वो लीफ, तो मैंने ना दो लीफ उससे तोड़ा, बोले अरे पागल हो गया, हाफ, इतनी बड़ी लीफ है उनका, हाफ खाओ बस, हाफ हमने खाया और बाकी लड़कों ने भी खाया। अब हम लोग इतना उस दिन रथ यात्रा में प्रसाद खाए, इतना भूख लग रहा था पेट ही नहीं भर रहा था, तो उन्हें सब पता रहता था। तो ये जानवर हैं वो सिखा देते हैं कैसे खाना खाना है, कैसे अपनी रक्षा करनी है, है ना, जानवर सब सिखा देते हैं, है ना। जो साइबेरियन बर्ड होती है ना, प्रवासी चिड़िया, वो भी सिखा देती है अपने बच्चों को कि जब यहाँ बर्फ़ जम जाएगी तो कौन से देश में जाना है, सही गलत है, उनके पास जीपीएस तो मैप तो देती नहीं वो, है ना, एंड्रॉइड गूगल मैप्स, ये है लोकेशन डायरेक्शन कुछ नहीं। पर आप सोचिए कितने दूर है, मीलों मीलों दूर, और हर बार वो चिड़िया आती हैं, उतने महीने वहाँ पे रहती हैं और वापस चली जाती हैं अपने, है ना, कोई जीपीएस नहीं, कोई लोकेशन कुछ नहीं, है ना। और हमें लगता है कि हमारे जो ऑटो, क्या बोलते हैं उसको, ऑटो पायलट है ना, हमें लगता है वही, हमने बहुत टेक्नोलॉजी में वो कर लिया है ना। तो पॉइंट आप समझ पा रहे हैं ना,
ये ही सिखा देना कि कैसे जॉब करना है, कैसे पैसा कमाना है और कैसे अपना पेट भरना है, कैसे जनरेशन आगे बढ़ानी है, कैसे अपने शरीर की रक्षा करना है, इतना इंसान को उनके बच्चों के प्रति सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है। ये है पर यही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और स्टेज है जो जानवरों को नहीं है, इंसान को है, है ना। जानवरों अभी जितने उदाहरण दिए ना, ये सब आपने जानवरों में देखा होगा, पर बहुत रेयर ही आपने कभी देखा होगा कि कोई हिरन अपने छोटे से बच्चे को लेके जाए मंदिर में, बोलो हरे कृष्णा, है क्या हिरन को है? या छोटा सा डॉगी है ना, बोलो हरे कृष्णा, है ना, नहीं है ना जानवरों में। तो पॉइंट क्या है कि ये चीज़ किसको दी गई है? तो जो चीज़ आपको स्पेशल दी गई है उसको ही हम ना फॉलो करें, जो स्पेशल जिम्मेदारी हमें दी गई है उस स्पेशल जिम्मेदारी को हम ना फॉलो कर पाए तो क्या होता है, क्या होता है? अगली बार हम उस व्यक्ति को वोट नहीं देते, है ना। तो फिर वो जो इतनी मेहनत करके इंसान बना था, 84 लाख योनियों को पार करके जो इंसान बना था, वो एक गलती क्या, शास्त्र को नहीं समझ पाया और उसकी वजह से फिर से वापस, है ना। एक वैष्णव भजन ना, बहु जन्मी भ्रमीनाथ से आता है, बहुजन भ्रमीनाथा, बहुत कई योनियों में घूम घूम के आया हूँ मैं, है ना। अब मनुष्य योनि मिली है और उसको भी नहीं समझ पा रहा, इसलिए ऋषभदेव ने साफ साफ लिखा, घुमा फिरा के भी नहीं लिखा, है ना। और किसी को छोड़ा नहीं, ना गुरु, ना स्वजन, ना पिता, ना अभी पेरेंट्स नहीं लिखा, पिता अलग लिखा है, माता अलग लिखा है, नहीं आजकल वो भी रहता है कन, तुम्हारा स्कूल का बिल तुम्हारा, पानी का बिल हमारा, दोनों की जिम्मेदारी है, है ना। वो ऐसे नहीं कह सकते कि भक्त बनाने की जिम्मेदारी पिता की और इंजीनियर बनाने की जिम्मेदारी माता की, नहीं, भक्त बनाने की जिम्मेदारी जितनी माता की है उतनी ही पिता की। तो इसलिए ये चीज हमें समझना चाहिए। हरे कृष्णा, फिर बाबा देखी। तो आज राधा कुंड का प्राकट है, तो कथा तो अब चालू होगी, है ना। चूँकि आज उनका जन्मदिन था तो इसलिए जन्म के ऊपर मैंने थोड़ा, जिसको और ज़्यादा डिटेल में समझना हो वो इस पाँचवें स्कंदे के पाँचवें अध्याय को पूरा पढ़ सकते हैं प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ। और जिन बच्चों को समझना हो कि जन्म क्या है, वो तीसरे स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ सकते हैं।